हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज अपनी 11.3। तो देखो, आज के वीडियो में अपन 11.3 के जो थ्योरम है और जो एग्जाम्पल है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट थ्योरम है उससे। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, देखो दो बाइसेक्टर करने हैं अपन को, एक इंटीरियर एंगल का और एक एक्सटीरियर एंगल का, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है। तो पहली थ्योरम लेते हैं जो इंटीरियर बाइसेक्टर है। तो देखो ये क्या कह रही है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। इसको मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो ए बी सी एक ट्राइंगल है और एडी जो है वो एक बाइसेक्टर है। तो एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए का। ठीक है, इसका मतलब 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। और साथ में ये जो बाइसेक्टर ही है अपोजिट साइड पे जब जाता है तो उस अपोजिट साइड को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालू, बोले तो बीडी और डीसी का रेशियो निकालू, तो वो इन दो साइड जिनके बीच का एंगल था उनके साइड के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। बोले तो बीडी अपॉन डीसी जो होगा वो एबी अपॉन एसी के क्या होगा, इक्वल। ये थ्योरम कहती है। अब अपन को गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि एडी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ये एंगल ए जो दिख रहा है इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब 1 और 2 जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है अपन को, ये प्रूफ करना है कि बीडी रेशियो डीसी इक्वल टू एबी रेशियो एसी, बीडी अपॉन डीसी इक्वल टू एबी अपॉन एसी। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो बहुत आसान प्रूफ हो सकता है इसका अगर एक कंस्ट्रक्शन करे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करे, ए पॉइंट जो है, जो कि ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं और इसको इधर से मिला दूं ई पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं ऐसा करने से क्या होगा, साथ में ये कंस्ट्रक्शन करते समय ये ध्यान रखना है कि सीई जो है वो एडी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, अपन को सी पॉइंट से एक सीई ड्रॉ करनी है, वो पैरेलल ड्रॉ करनी है किसके, एडी के, और यहां पर इसको एक्सटेंड करके इससे मिला देना है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है तो मैं इस पे क्या लगा सकता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकता हूं। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आप जानते हैं कि ये रेशियो इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। फिर बस मुझे इस साइड की जगह पर ये साइड लानी, इतना सा करना है। तो स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू डीई। सीई लाइन ड्रॉ की जो डी ए या ए डी के क्या है, पैरेलल है, और बी ए को एक्सटेंड करके ई पर मिला दिया। अब अपन देखते हैं प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एक पैरेलल जो लाइनें होती है उनके जो ये एंगल होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ये क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का इक्वल दे रखे। क्वेश्चन में कह रखा है कि एडी बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल हो गए। अब इन तीनों से करने से फायदा क्या हुआ, देखो 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 और 2 इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि 3 और 4 भी इक्वल है। अब 3 और 4 इक्वल करके मैंने क्या निकाला, तो देखो 3 और 4 एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। बोले तो ये 3 के सामने वाली साइड ए और 4 के सामने वाली साइड ए सी। मैंने अभी क्या बोला था, जब अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे तो इसकी जगह ये लाना है, और ये अब मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 3 के सामने की साइड कौन सी है, ए ई, और 4 के सामने की साइड कौन सी है, एसी। ये दोनों क्या आगे, इक्वल। किससे आगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब एकदम सिंपल सा काम करना है, क्योंकि एडीसीई के पैरेलल है तो अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है, बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी वो किसके इक्वल होगा, बीए अपॉन ए, बीए अपॉन ए, बीए एबी कुछ भी लिख सकते हैं। और इक्वेशन 1 से मैं ए ई की जगह क्या लिख सकता हूं, एसी, ये एसी लिख दिया। और यही तो अपन को प्रूफ करना था, तो हो गया। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर अपन इसकी कन्वर्स भी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन थ्योरम। देखो इसमें क्या दे रखा है, अच्छे से समझना पिछली थ्योरम और इस थ्योरम में क्या फर्क है। इसमें अपन को ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है,
यहां पर भी एक एडी दे रखा है बाइसेक्टर। अब पिछले बार में क्या था कि ये अपना ट्राइंगल था और जो बाइसेक्टर था वो अंदर बाइसेक्ट कर रहा था, इंटरनल बाइसेक्टर था, जबकि इस बार ये ए बी सी ये ट्राइंगल है ये वाला यहां तक है और ये एडी इसको एक्सटीरियरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो देखो एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। एक एक्सटर्नल रेशियो का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। सपोज करो कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए और बी है और मैं कहता हूं कि सी पॉइंट इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला ए सी और इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ये रेशियो क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल रेशियो कहलाएंगे, ठीक है। तो एडी जो है वो बाइसेक्टर दे रखा है लेकिन इस बार ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए को बार की तरफ से ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर भी वन और टू क्या है, इक्वल है, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा है कि बीसी जो है वो एक्सटेंड करके डी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये सब अपन को गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपन को, क्योंकि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है इसलिए प्रूफ ये करना है, ध्यान से सुनना, लाइन ये थी, ठीक है, कौन सी लाइन थी, ये, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट, इसका मतलब ये बी से लेकर डी तक एक ये और सी डी इसका रेशियो निकलेगा, बी डी और सी डी का रेशियो, बी डी और सी डी का रेशियो। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऐसे ही डिवाइड करते हैं। और किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये ए बी अपॉन ए सी के, ए बी अपॉन ए सी जो कि बाकी की दो साइड है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग लगभग वैसा ही डेरिवेशन है, ठीक है। तो देखो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करते थे, पिछले बार भी अपन ने जो बाइसेक्टर था उसके क्या की थी, पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, अब की भी बाइसेक्टर के क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सीई पैरेलल लाइन ड्रॉ की है किसके, एडी के, ठीक है। पिछले बार भी अपन ने एंगल को यूज करके क्या प्रूफ किया था, ये थ्री और फोर इक्वल प्रूफ किया था, अब की भी करना है, वो का वही तरीका, देखो एंगल वन जो है एंगल थ्री के इक्वल है, एंगल वन और एंगल थ्री जेड बन रहा है, एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और साथ में एंगल वन और एंगल टू क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका क्या मतलब है, एंगल थ्री और एंगल फोर भी बराबर होगा, और एंगल थ्री और फोर बराबर होगा तो एंगल थ्री के सामने वाली साइड बोले तो ए ई जो होगी, एंगल फोर के सामने वाली साइड बोले तो ए सी इसके बराबर होगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी इस पूरी में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाता हूं, ई सी जो है वो ए डी के क्या है, पैरेलल, पैरेलल है तो क्या लिख सकता हूं, देखो ये जो अपनी बीपीटी थ्योरम जो होती है वो उसमें ये भी होता है कि बीडी और सीडी का रेशियो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में अपन तीन तरीके से रेशियो लिख सकते हैं, एक बीसी अपॉन सीडी ये भी लिख सकते हैं, बीडी और सीडी ये भी लिख सकते हैं, बीडी अपॉन बीसी ये भी लिख सकते हैं, तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर कौन सी यूज करेंगे, बीडी अपॉन सीडी, बीडी अपॉन सीडी, इधर भी यही यूज करते हैं, पूरा पार्ट ए बी ऊपर और ए ई नीचे, क्योंकि ए ई की जगह क्या लिख सकता हूं, एसी का से इक्वेशन वन से ए ई की जगह एसी लिख दूंगा, यही मेरे को प्रूफ करना था। तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से अपना ये वाली थ्योरम भी क्या होती है, प्रूफ होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की थ्योरम्स देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.3। तो देखो यहां पर अपन ने पहले क्या दे रखा था कि ए डी जो है वो एक बाइसेक्टर है और एंगल वन और एंगल टू जो है इक्वल है, ये दे रखा था और अपन को रेशियो प्रूफ करना था। इस बार अपन को रेशियो गिवन है और ये प्रूफ करना है कि एंगल वन और एंगल टू क्या है, इक्वल, और अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो अपन ये प्रूफ कर पाएंगे कि एडी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं, देखो अपन को क्या दे रखा है इस बार, एंगल ए बी सी, ए बी सी जो है, और ये दे रखा है कि एडी जो है उसको डिवाइड करती है, कहां पर डिवाइड कर रही है, बीसी पर, और इस तरीके से डिवाइड करती है कि BC बोले तो इस पार्ट का जो और इस पार्ट का रेशियो BD अपॉन DC जो है वो रिमेनिंग दो साइड के रेशियो के इक्वल है, ये प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AD जो है A का एंगल बाइसेक्टर है, बोले तो 1 और 2 क्या है, इक्वल, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अच्छे से समझना, देखो ये AC जितनी है उतनी की उतनी मैं AE आगे बढ़ाऊंगा, ये मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, और ए कितना आगे लूंगा, जितनी ए सी है उतनी की उतनी आगे लूंगा। तो एक्सटेंड बी ए, बी ए को एक्सटेंड किया ए तक,
और इस तरीके से किया कि ए ई जितना है उतना उतना क्या है ए सी है। फिर ये इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से क्या कर दिया, मैंने मिला दिया, ई को सी से मिला दिया। अब प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लेता हूँ। पहले कौन सा लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो बाद में बना है कंस्ट्रक्शन से। इसमें मैंने ए ई और ए सी ये दोनों क्या ली थी, इक्वल ली। क्यों ली, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में मैंने इक्वली लिखी थी, और अगर ये इक्वल है तो इसके सामने वाली ए ई के सामने वाला एंगल 3 और ए सी के सामने वाला एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो बी डी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और साथ में कंस्ट्रक्शन से मैं ए ई इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया, बी डी अपॉन डी सी ए बी अपॉन ए ई। इसको देखें थोड़ा तो बी डी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन ए ई, देखो ये पूरा ट्राइंगल था और इसमें यहाँ पर एक लाइन है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल। बोले तो ए डी जो है वो सी ई के क्या हो गई, पैरेलल, और ये किससे हो गई, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। एक बार जब मैं पैरेलल प्रूफ कर देता हूँ तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इनकी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ साफ दिख रहा है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे, कौन सा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 4 मैंने पहले प्रूफ कर दिए थे, तो एंगल 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल होंगे, और यही अपन को प्रूफ करना था। अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब ए डी जो है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और यही अपन को प्रूफ करना था, एकदम सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल की सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरिया है, या तो अपन एंगल 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 से ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं, या फिर साइड 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 से सिमिलर कह सकते हैं, या फिर साइड एंगल साइड से अपन क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। तो एक एक करके अपन को पहले इन सारे सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला है क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, जिसमें आपको ये 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, और इन 2 ट्राइंगल में ये दे रखा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल और ये एंगल सेम है, और प्रूफ करो कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, अपन को 2 ट्राइंगल दे रखे हैं और इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एंगल सेम दे रखे हैं। देखो तीनों ही क्राइटेरिया को प्रूफ करते समय सबसे पहले अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, और तीनों में ही एक ही तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, कि जो एक ट्राइंगल में क्या करना है, आपको 2 पॉइंट लेने हैं पी और क्यू, और ये पॉइंट इस तरीके से लगाने हैं कि डी पी जो है वो ए बी के क्या होने चाहिए, इक्वल, और डी क्यू जो है वो ए सी के क्या होने चाहिए, इक्वल, और फिर इन दोनों को मिला देना है पी क्यू। मतलब बोले तो ये डी पी क्यू जो है ट्राइंगल, वो इस ट्राइंगल के जितना का जितना होना चाहिए। बोले तो ये जो साइड है ये साइड के बराबर, और ये साइड जो है इस साइड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, हमेशा ही करना है, पहले कंस्ट्रक्शन में कर लेना है, और फिर एक और स्टेप अपन को तीनों ही थ्योरम में करना है, वो कि अपन को कैसे ही करके अपन को पी क्यू जो है वो ई एफ के क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है, ताकि अपन बाकी में बी पी टी वगैरह थ्योरम वगैरह यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो ये तो अपन को गिवन था, और अपन को इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया, डी पी ए बी के इक्वल और ए सी डी क्यू के इक्वल, ये अपन ने कर ली, और P और Q को अपन ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। अब अपना पहला स्टेप अपन करते हैं, जिसमें अपन को PQ को EF के क्या करना होता है, पैरेलल प्रूफ करना होता है। और ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल यूज करेंगे, कौन से, जो अभी अपन ने लिए थे DPQ और ABC, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। इसमें देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और ये एंगल इक्वल है, गिवन है। इस वजह से ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, कॉनग्रेंट हो गया। क्या हो गया, कॉनग्रेंट, किस रूल से हो गया, साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये अपन ने कॉनग्रेंट कर दिया।
और अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका क्या मतलब है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, बोले तो एंगल बी जो है वो डी पी क्यू के बराबर होगा और एंगल सी जो है वो एंगल डी क्यू पी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एंगल बी ई के बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है, तो ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाले भी इक्वल होंगे, इसका मतलब डी पी क्यू किसके इक्वल होगा, ई के, क्योंकि ये दोनों ही किसके इक्वल है, बी के, और डी क्यू पी जो है वो एफ के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ही किसके इक्वल हो गए, सी के। तो कौन कौन से इक्वल है, देखो ये वाला डी पी क्यू जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम, और ये वाला और ये वाला एंगल सेम, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं इसका मतलब ये और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल, ये अपना हाफ हो गया। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीनों ही क्राइटेरिया को प्रूफ करते समय अपन को सबसे पहले तीनों ही क्राइटेरिया में कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, बस आपको जो चीज़ गिवन है उससे अपन को ये कंस्ट्रक्शन में जो पी क्यू लाइन खींची है उसको ई एफ के पैरेलल करना है तीनों ही क्राइटेरिया में, तो आप याद रख पाएंगे कि हाँ इस तरीके से अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये अपना आधा पार्ट हुआ, पहले आप ही नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं। देखो पी क्यू अपन ने ई एफ के पैरेलल प्रूफ कर दिए, तो पैरेलल प्रूफ करने के बाद अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करते हैं। देखो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में या तो अपन लिखें इसका और इसका रेशियो, एंड इसका और इसका रेशियो सेम है, लेकिन दो फॉर्म और भी होती है जिसमें अपन डी ई का रेशियो डी पी के साथ और डी एफ का रेशियो डी क्यू के साथ, ये भी इक्वल लिख सकते हैं, या फिर डी ई का रेशियो पी ई के साथ और डी एफ का रेशियो क्यू एफ के साथ, ये भी लिख सकते हैं। तो अपन सेकंड वाला यूज करेंगे, डी ई का रेशियो डी पी के साथ और डी एफ का रेशियो डी क्यू के साथ, ये अपन लिख देते हैं बाय बी पी टी, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद लेकिन अपन ने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो ये किया था कि डी पी जो है वो ए बी के क्या है, इक्वल, और ए सी जो है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो ये रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ अपने डी पी लिखा है वहाँ पर अपन ए बी लिख देंगे, जहाँ डी क्यू लिखा है वहाँ अपन ए सी लिख देंगे। ये अपन को प्रूफ भी करना था, तो अपन फ्लिप करके देखें तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो और ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो, दो साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। अपन को यहाँ प्रूफ नहीं करना, ऐसे सिमिलरली करके ये भी लिख दो कि इसी तरीके से बी सी और ई एफ का रेशियो भी क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल, और साइड का रेशियो इक्वल आएगा तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। ये अपना पहला क्राइटेरिया हो गया, कौन सा, एंगल, एंगल, एंगल से अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं, साइड साइड साइड। तो देखो इस बार जो अपन को दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इन दो ट्राइंगल में अपन को ये दे रखा है कि रेशियो सेम है, क्या है, रेशियो सेम है, ए बी और डी ई का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो, ये गिवन है अपन को, और फिर अपन को इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना। तो कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको हमेशा बताई है सेम ही है, अपन को क्या करना है, इस तरीके से पी और क्यू पॉइंट लेने हैं कि डी पी जो है वो ए बी के बराबर होगी और डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर होगी, और पी और क्यू को अपन को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। अब देखो ध्यान से सुनना, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, यहाँ पर लिख दिया, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन था तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा है कि जहाँ पर अपन ए बी लिखते हैं उसकी जगह डी पी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में ये डी पी इतनी ही ली है जितना कि ए बी है, तो जहाँ पर मैंने ए बी लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी पी, और जहाँ मैंने ए सी लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, डी क्यू, और ऐसा लिखते ही कन्वर्स ऑफ बी पी टी का फॉर्म आ गया। देखो डी पी अपॉन जो है डी ई, डी पी कहाँ गया, ये डी पी अपॉन डी ई ये पूरा, और डी क्यू अपॉन ये डी एफ, ठीक है, ये है, और ये इसका कन्वर्स यूज करें तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी की वजह से बी क्यू पी क्यू सॉरी ई एफ के क्या लिख सकता हूँ, पैरेलल लिख सकता हूँ, ठीक है। उल्टा किया था वहाँ पर
वहां पर अपन को एंगल दे रखा था, उस एंगल्स को यूज करके मैंने क्या किया था, अभी पीछे अपन ने पी क्यू पैरेलल क्या प्रूफ किया था EF, और फिर पी क्यू पैरेलल EF से मैंने BPT लगा कर ये रेशियो लिखा था। इधर मैं रेशियो से पी क्यू पैरेलल EF लाया। अब ये पैरेलल लेकर आ गया, इसके बाद अपन को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। किस किस को सिमिलर प्रूफ करेंगे अपन, इस वाले को इस वाले के साथ, ठीक है। तो देखो DPQ, ठीक है, D जो है PQ, ये वाला, ये पी है, F नहीं है, ठीक है, और DEF, ये दोनों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बोले तो ये वाला और ये वाला, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, DQP और DFE, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है। और ये क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया है, और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है मतलब दो एंगल अपने क्या हो गए, सेम हो गए, और ये तो अपने कॉमन है, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो ये अपने कौन वाले, कौन से वाले क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, एंगल 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 से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं इसको। अब देखो आप अच्छे से समझना, मैंने डी पी क्यू को जो है इस वाले ट्रायंगल के क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर। अगर मैं इसी डी पी क्यू को इसके सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो सिमिलर और सिमिलर ये पूरे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को यूज करता हूं। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने ये साइड तो इक्वल है ही है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। अगर मैं कैसे भी करके बी सी और पी क्यू भी मैं इक्वल प्रूफ कर सकूँ, तो मैं इन दोनों को क्या प्रूफ कर दूंगा कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। और जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर तो होंगे। ये करने के लिए पहले मैं कुछ चीज करता हूं, तो ध्यान से देखना। डीपी अपॉन डीई, डीपी जो है अपॉन डीई, और साथ ही में पीक्यू अपॉन ईएफ, ये मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, सिमिलर जो होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो डी पी क्यू का तो मैंने कौन सी साइड ली, ये और ये साइड ली, और इस वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड ली, ये वाली और ये वाली साइड ली, और रेशियो इक्वल लिख दिया। लेकिन अपन ने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा था कि ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, तो जहां मैंने डी पी लिखा वहां ए बी लिख सकता हूं। तो ए बी अपॉन डी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ के। और जहां शुरू शुरू में स्टार्टिंग में अपन को ये दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के क्या है, बराबर, दोनों ही ए बी अपॉन डी के बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये बराबर लिख दिए। ई एफ से ई एफ अपना क्या हो गया, कट, तो क्या बचा, पी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू जो है वो बी सी के इक्वल लिख दिया। ये इक्वल लिखते ही मेरा काम बन गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड तो कंस्ट्रक्शन से इक्वल थी और ये दोनों भी इक्वल हो गई। तो ए बी इक्वल है किसके, डी पी के कंस्ट्रक्शन से, ए सी इक्वल है डी क्यू के, ये भी कंस्ट्रक्शन से, और बी सी इक्वल है पी क्यू से, ये अभी मैंने प्रूफ किया। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, साइड 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 से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब ये दोनों सिमिलर भी होंगे। और इक्वेशन एक कहती है कि डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ के सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, और यही डी पी क्यू जो है डी ई एफ के सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर। ये अपना काम बन गया, ये अपन ने साइड 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 क्राइटेरिया से सिमिलरिटी प्रूफ की है, ठीक है। तीसरा लेते हैं अपन साइड एंगल साइड से। सबसे ये जो तीन क्राइटेरिया थे इसमें सबसे छोटा इसका प्रूफ है। तो देखो इसमें भी पहले गिवन जो है वो लिख लेने हैं, क्या क्या गिवन है, कि इस साइड और ये वाली साइड का रेशियो, इस साइड और ये वाली साइड का रेशियो इक्वल है, और साथ में एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल दे रखा है, मतलब दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, सिमिलर। कंस्ट्रक्शन हमेशा ही वही होती है, पी और क्यू दो पॉइंट इस तरीके से लेने हैं कि डी पी जो है वो ए बी के क्या होने चाहिए, इक्वल, और डी क्यू जो है वो ए सी के हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो ये अपन ने क्या यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और पी और क्यू को अपन ने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या प्रूफ करना होता है, पी क्यू और ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना होता है कैसे भी करके, तो करते। तो देखो
ए बी सी और डी पी क्यू, ये दो ट्राइंगल लिए और इन दोनों ट्राइंगल को मैं पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ये साइड जो है, सॉरी क्वेश्चन में क्या, कंस्ट्रक्शन में अपन ने ये किया है कि ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। इन तीनों को यूज किया तो साइड एंगल साइड से मैंने इसको क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। किस किस को कर दिया? इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है कि ए बी जो है वो और डी ई का रेशियो और ए सी और डी एफ का रेशियो, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया है, ए बी की जगह डी पी बराबर है और ए सी और डी क्यू बराबर है। तो जहां पर अपन ने ए बी लिखा हुआ है वहां पर अपन क्या लिख देंगे, डी पी। जहां ए सी लिखा हुआ है वहां अपन क्या लिख देंगे, डी क्यू। तो अपना काम बन गया डी पी अपॉन डी ई ये पूरा और डी क्यू अपॉन डी एफ ये पूरा, ये इक्वल है, ये बी पी टी का एक फॉर्म है। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से अपन क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल ई एफ। पी क्यू क्या लिख दिया, पैरेलल है ई एफ के। एक बार जैसे ही ये पैरेलल प्रूफ कर देता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, और ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है ही है, तो इसका मतलब डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर प्रूफ करता हूँ, किस किस को कर दिया, इस वाले ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। और इक्वेशन वन में मैंने ये लिखा था कि ए बी सी जो है कॉन्ग्रेंट है डी पी क्यू के, जो कॉन्ग्रेंट होंगे वो सिमिलर तो होंगे ही, इसका मतलब ए बी सी सिमिलर है डी पी क्यू के। डी पी क्यू जो है डी ई एफ के सिमिलर है, डी पी क्यू जो है ए बी सी के सिमिलर है, इसका मतलब ये आपस में भी सिमिलर होंगे। ये अपना हो गया साइड एंगल साइड से सिमिलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर वन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें आपको दो दो पेयर दे रखे हैं और इन पेयर को अपन को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तीनों ही पेयर में आपकी सिमिलरिटी की एक एक कंडीशन लगेगी, उससे आपको क्या प्रूफ कर देना है सिमिलर। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि सिमिलरिटी की क्या तीन कंडीशन होती है। तो देखो ये सपोज करो दो ट्राइंगल है, तो अगर मैं ये तीनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये मैं प्रूफ कर देता हूं ये इक्वल है, तो अपन कौन से क्राइटेरिया से एंगल 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 से क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। अगला क्राइटेरिया, अगर दो ट्राइंगल दे रखे और करस्पॉन्डिंग साइड इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, साइड का रेशियो सेम है, तो इसे मैं सिमिलर बोल सकता हूं। किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 से। एक चीज आप याद रखना, अगर दो ट्राइंगल है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आए तो इसे साइड 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 से कॉन्ग्रेंट कहेंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आए तो साइड 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 से सिमिलर कहेंगे। नेक्स्ट है तीसरा क्राइटेरिया, जिसमें अपन को क्या करना है, एक एंगल और उनके आजू बाजू वाली दो क्या लेनी है, साइड लेनी है। इस साइड का और इस साइड का रेशियो, इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का एंगल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ऐसे केस में इसे कहेंगे साइड एंगल साइड, ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होगा। अगेन ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी में भी है, लेकिन कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, जो ये एंगल के दो साइड जो है जिनके बीच में ये एंगल है वो दोनों साइड क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, जबकि यहां रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको साफ दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, तो दो एंगल सेम आ गए अपने। और तीसरा एंगल ऑब्वियस थिंग है सेम होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये एंगल ए निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, तीनों का सम क्या होगा 180 में से 60 और 40 माइनस करूंगा तो कितना रहेगा 80, और इधर भी सेम ऐसे कैसे करूंगा, इधर भी 80, तो तीनों के एक एक एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे, तीनों ही एंगल सेम हो गए, तो इसे एंगल 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 से मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलर लिख सकता हूं। ठीक है, अगला लेता हूं। देखो अगला जो आपको दे रखा है इसमें साइड दे रखी है, तो अगर मैं ए बी का रेशियो किसके साथ निकालू, डी एफ के साथ, तो 2/4 कितना आएगा, हाफ। ए सी का रेशियो डी ई के साथ निकालू 3/6, ये भी क्या आ रहा है, हाफ। और बी सी अपॉन ई एफ निकालू 2.5/5, तो ये भी क्या आ रहा है, हाफ। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है अपने सेम,
और साइड का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सिमिलर। और कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, साइड 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 से। तीसरा लेते हैं, इसमें देखो ये एक एंगल, एंगल बी और एंगल डी इक्वल है 70-70, और उनके दोनों तरफ की साइड आपको दे रखी है। अगर मैं 5 और 2.5 का रेशियो निकालू तो कितना आएगा, 2/1, और 7 और 3.5 का रेशियो निकालू तो अभी क्या आएगा, 2/1। तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है, और उनके बीच का एंगल सेम आ रहा है, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर वन हो गया, एग्जाम्पल नंबर वन, क्वेश्चन नंबर क्या, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे के भी एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। तो देखो ए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ को कंपेयर करना और डीई और एफ की वैल्यू निकालनी एंगल की। तो देखो यहाँ पे देखो एबी और अगर डीएफ का रेशियो निकालू तो कितना आ रहा है, हाफ, और बीसी और ईएफ का रेशियो निकालू तो वो भी क्या आ रहा, हाफ। इसका मतलब ये और इसका भी रेशियो क्या आएगा, हाफ। तो तीनों साइड का रेशियो हाफ हाफ है, इसका मतलब साइड 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 से ये क्या हो गया, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल एफ के क्या होगा, इक्वल, और एंगल सी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इक्वल है तो एंगल बी 60 है, इसका मतलब एंगल एफ भी कितना हो जाएगा, 60, और एंगल सी जो है 40 है तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा, 40। दो की वैल्यू निकल गई, और तीसरे की अपन 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 80। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला फिगर दे रखा है, ये मैंने खुद ने बनाया है, मतलब अपन को बनाना है ये वाला, अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, साथ में लिखा हुआ ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी, ओ सी डॉट ओ डी, ओ सी डॉट ओ डी के इक्वल है। सो करना है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। तो सबसे पहले अपन ये दो ट्राइंगल यूज करते हैं, ठीक है, ये मैंने अब बना दिए, और इसमें अपन को क्वेश्चन में जो ये चीज़ दे रखी थी ये लिख लेते हैं, ओ ए डॉट ओ बी, ओ सी डॉट ओ डी। ठीक है, ये ओ सी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ और ओ बी को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो क्या आ गया, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, और ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, और साथ ही में, ठीक है, साथ ही में अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो अपन ने क्या कर दिया, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो प्रूफ कर दिया, और ये एंगल प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपने सिमिलर हो गए। किस रूल से हो गए, साइड एंगल साइड से, आप यहाँ नोट कर लेना, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए। और अगर साइड एंगल साइड से सिमिलर है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी एकदम छोटा सा एग्जाम्पल था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दे रखा है, क्यू ए और पी बी, क्यू ए जो है और पी बी जो है इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 है और ये भी क्या है, 90। साथ में ये दे रखा है ए बी, ये पूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर है। ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है और ओ पी की वैल्यू भी दे रखी है, और क्या फाइंड करना है, ए ओ की लेंथ फाइंड करनी है और बी ओ की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है इनको अपन क्या प्रूफ करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है, ये अपन ने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा था परपेंडिकुलर है तो 90 होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। और अगर दो एंगल अपन सेम प्रूफ कर देते तो तीसरा तो सेम होता ही है, इसका मतलब बाई एंगल एंगल से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर सिमिलर है तो अपन क्या लगा सकते हैं, जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है साइड का रेशियो है वो इक्वल लिख सकते हैं। वो लिखने से पहले एक चीज़ और करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी जो है 16 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 16 सेंटीमीटर है, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ बी भी लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ बी, इन दोनों में से किसी एक को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे ए ओ को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, इसका मतलब ये पीछे वाली क्या होगी, ये पूरी 16 थी तो ये कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। वापस रिपीट करता हूँ, देखो
ए बी जो है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर, और इसको मैंने मान लिया एक्स, तो ये क्या होगी पूरी में से एक्स माइनस कर दो 16 माइनस एक्स। अब अपन आ जाते हैं इस वाले ट्राइंगल को, और इस वाले ट्राइंगल को अपन ने क्या प्रूफ कर दिया था सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बोले तो ए ओ और ओ बी का रेशियो और ओ क्यू और ओ पी का रेशियो सेम होगा। ये वाला क्यों नहीं लिया क्योंकि ये ना तो मुझे फाइंड करनी है ना मुझे गिवन है। ए ओ बी ओ की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, ए ओ की जगह एक्स, बी ओ की जगह 16 माइनस एक्स, और इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर दी। तो 13 से 13 कट हो जाएगा, 5/3 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को x से 3x, इन दोनों को कराएंगे तो 80-5x, x को एक तरफ ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ छोड़ना नहीं है, अपन को ए और बी ओ निकालने थे, तो ए ओ को अपन ने x माना, इसका मतलब ए ओ की वैल्यू कितनी होगी जितनी x की वैल्यू आई बोले तो 10। ओ बी कितना होगा 16-x, x कितना रखेंगे 10, तो 16-10 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एग्जाम्पल नंबर 4 भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन ए डी ई जो है वो एंगल बी के क्या है इक्वल है। ए जो है ए डी ई ये जो है ये वाला एंगल जो है वो एंगल बी के इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, साथ में ए डी की वैल्यू दे रखी है, ए ई की वैल्यू दे रखी है, बी ई की वैल्यू दे रखी है और बी सी की वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है कि डी ई फाइंड करो, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे भाई, पहले अपन को क्या करना है सिमिलर प्रूफ करना है। तो किस किस एंगल को करते हैं, ए डी ई और ए बी सी, ये दो ही ट्राइंगल है, इन दोनों को करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो गिवन था, एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, दो एंगल काफी होते हैं सिमिलर के लिए, तो ये अपन ने सिमिलर लिख दिया। और अगर मैं सिमिलर लिख सकता हूं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम लिख सकता हूं। ये करने के लिए मैं दोनों ट्रायंगल को अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ए बी सी था, ये मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये वाला जो था ए डी ई, ये ए डी ई इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और एंगल बी और एंगल डी अपन को सेम दे रखे थे। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम ड्रॉ कर दिया। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए डी अपॉन ए बी ये लिख दिया, और डी ई अपॉन बी सी ये यहां पे लिख दिया। ए बी जो है अपन को क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो बी ई प्लस ई ए लिख सकता हूं, बी ई प्लस ई ए। ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ए डी की वैल्यू देखो 3.8, इसकी जगह 3.8 लिख देते हैं। बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1, ई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6। डी ई अपन को फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू भी दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी ई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अपने एग्जाम्पल नंबर 5 होते हैं। दो और एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, फिर अपने सारे एग्जाम्पल भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दे रखा है, और साथ में दे रखा है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, और साथ में ए ई डी और बी ई सी ये दोनों ट्राइंगल जो है ये क्या दे रखे हैं सिमिलर, और प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो बी सी के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो एंगल दे रखे हैं ये वाले दो ट्राइंगल चूज करते हैं, कौन सा ई बी ए और ई डी सी। ठीक है, और क्योंकि ये वाली और ये वाली पैरेलल है इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, और चाहे तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं अपोजिट एंगल, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 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 की प्रॉपर्टी से ई बी ए और ई डी सी दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो ये हो गया अपना सिमिलर हो गया। फिर देखो अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखता हूं, इसका मैं लू ई डी और इसकी क्या लू ई बी, ई डी अपॉन ई बी। ठीक है, ई सी अपॉन ई ए ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। अब मैं ये तो लेके आ जाता हूं इधर और इसको लेके चला जाता हूं ऊपर, ई डी अपॉन क्या कर दिया ई सी, और ये ई बी कहां चला गया ई बी अपॉन ई, इसको दे देता हूं इक्वेशन 1। साथ में क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए ई डी और बी ई सी क्या है सिमिलर, तो उसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालता हूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या दे रखा है सिमिलर दे रखा है, तो उसमें भी अपन क्या लगाते हैं सिमिलरिटी से साइड का रेशियो लिखते हैं।
तो देखो क्या क्या है साइड का रेशियो अपने ए ई अपॉन बी ई, ए ई और इस वाले ट्राइंगल की बी ई इसका रेशियो, और ई डी इस वाले ट्राइंगल की ई डी। देखो एक तो अपन को ट्राइंगल कौन सा चूज करना है, ये दोनों, इस और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो, ये अपन ने लिख दिया, क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि सिमिलर है। अब देखो यहां पर भी ED इक्वल टू ED अपॉन EC है, और यहां पे भी ED अपॉन EC है, और साथ में इस तरफ क्या दे रखा है EB अपॉन EA दे रखा है, और यहां क्या दे रखा है AE अपॉन BE, ये दोनों सामने लिख दिए। ठीक है, एक बार इसको भूल जाते हैं और इनकी ये साइड को कंपेयर करते तो सेम है, तो ये दोनों साइड भी सेम होगी, और अगर मैं गौर से देखूं तो ये बेसिकली एक जैसे ही है, EB लिखूं या BE लिखूं सेम ही है, और AE लिखूं EA लिखूं सेम ही है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, स्क्वायर हो जाएगा किसका AE का स्क्वायर, और EB और BE को मल्टीप्लाई करूंगा तो BE का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, इससे क्या प्रूफ हो गया कि BE जो है वो AE के क्या है इक्वल है। अब जो मैंने पीछे छोड़ दी थी कौन सी वाली AD अपॉन BC, AD अपॉन BC और AE अपॉन BE, AE अपॉन BE, इस बार बीच वाली को जो अपने दोनों में सहम आई थी उसको छोड़ देना, बाकी दोनों को लिख देना। अब क्योंकि मैं यहां प्रूफ कर चुका हूं AE BE सेम है, तो इन दोनों को कट कर दूंगा तो कितना जाएगा एक, क्योंकि इक्वल का क्या आएगा रेशियो वन, इधर क्या था AD अपॉन BC, BC को इधर भेज दूंगा, BC इंटू वन क्या हो जाएगा BC, AD इक्वल टू क्या हो गया BC, ये मेरे क्या हो गया प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल सा, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है वो करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7, क्या दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, और एम जो है वो मिड पॉइंट है, ये जो है एक मिड पॉइंट है कहां पे सी डी का, इसका मतलब जितना ये वाला पार्ट होगा उतना उतना ये वाला पार्ट होगा, एम सी और एम डी जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है ज्वाइनिंग लाइन बी टू एम, बी जो है वो एम को ज्वाइन करती है तो एल पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है किसको एसी को, और साथ में बी एम जो एक्सटेंड करूं और ईडी को तो ई पॉइंट पे मिल रही। अब अपन को प्रूफ क्या करना है ई एल यहां से लेकर, देखो मैं यहां डॉट लगा देता हूं, यहां से लेकर यहां तक जो है ई एल जो है वो यहां से लेकर यहां तक बी एल का क्या है डबल। अब अपन को जिस चीज को प्रूफ करना है वो दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, क्या है ए एल ई, ये मैंने साइड में बना दिया ए एल ई, और बी एल ई, बी एल ई, और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो चीज है ये जो आप देख पा रहे हो ये यहां पे मैं वापस बना देता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाली चीज जो है और ये वाली चीज इन दोनों में ई एल जो है वो इसका क्या होना चाहिए बी एल का डबल होना चाहिए, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो एक चीज तो मैं तुम्हें आपको पता ही है कि अगर इन दो ट्राइंगल में करना है तो पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर दो, और सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ये दोनों रेशियो में आ जाएंगे, जैसे अगर मैं मान लेता हूं ये अभी अपन करेंगे, अगर ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो ई एल अपॉन बी एल लिख सकता हूं, फिर उसके इक्वल में अगर मैं टू लेके आ जाऊंगा तो बी एल को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एल आ जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो करने के लिए अपन पहले करते हैं, देखो अपन पहले ट्रायंगल लेते हैं कौन सा बी एम सी, ठीक है बी एम सी, और ये वाला जो साइड में जो निकला हो बाहर कौन सा अपने ई एम डी, ये दोनों ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा एक तो ये वाला ट्रायंगल मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं, ये बी एम सी और इसी के ऊपर जो ये ट्रायंगल है दूसरा कौन सा डी, ये ई डी एम, ये दोनों लेते हैं। अब इसमें देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल होगी, क्यों होगी क्योंकि क्वेश्चन में M मिड पॉइंट दे रखा था, ठीक है तो एम सी और एम डी ये इक्वल हो गया, उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट हो गया जेड के फॉर्म में, ये देखो ऐसे सीधा जेड बन जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो गया एंगल साइड एंगल से अपने कॉन्ग्रेंसी आई है। देखो जो मैंने साइड जो थी वो इक्वल प्रूफ की थी, ये कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया, और कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया तो मैं बाकी की कोई भी चीज करस्पॉन्डिंग चीज इक्वल लिख सकता हूं, इसका मतलब जितना बीसी है उतना उतना क्या है ईडी है, बीसी जो है वो मैंने ईडी या डीई के इक्वल लिख दिया किससे सीपीसीटी से, और चीज बीसी जो है
वो एडी के भी इक्वल है। देखो अभी मैंने क्या प्रूफ किया, बीसी जो है ईडी के इक्वल है, और अब मैं कह रहा हूं बीसी जो है ईडी के भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एई यहां से लेकर यहां तक एई जो है वो एडी प्लस डीई लिख सकता हूं, ये लिख दिया। एडी की जगह पे भी बीसी लिख सकता हूं और डीई की जगह पे भी बीसी लिख सकता हूं, ये अभी मैंने प्रूफ किया था। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस बीसी। अब मेरा काम बन गया, देखो कैसे बन गया, ध्यान से अच्छे से समझना। अब जो मेरे को स्टार्टिंग में अपन को कौन कौन से दो चाहिए थी साइड, इस साइड और इस साइड का रेशियो, तो इस वाले ट्राइंगल जो मैंने लिए थे ये मैंने बना लिया। अभी मैंने किसका रेशियो निकाला, ए ई और बी सी का, ये ए ई और ये बी सी, और इनका रेशियो कितना आ रहा है, डबल आ रहा है। तो मैं इसका और इसका सामने लिख सकता हूं, कब लिख पाऊंगा, जब इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं। तो जल्दी से सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, देखो ए एल ई, ए एल ई और कौन सा सी एल बी, ये दोनों तो क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट, ये वाला एंगल अल्टरनेट, तो ये दोनों क्या हो गए, बाय एंगल 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 से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। एक बार जब सिमिलर हो गए तो अपन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो ई एल अपॉन बी एल और ए ई अपॉन बी सी इनका इक्वल है, और ए ई अपॉन बी सी, ए ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टू बी सी, तो ए ई की जगह टू बी सी लिख दिया, बी सी से बी सी कट गया, तो ई एल अपॉन बी एल इक्वल टू टू आ गया, बी एल को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी एल। इसी के साथ अपने जो ये एक्सरसाइज है 11.3, इसके जो अपन ने थ्योरम और जो अपने एग्जाम्पल थे वो सारे अपन ने कंप्लीट किए। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 11.3 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्पेशली इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन एक्सरसाइज 11.3 और ये चैप्टर 11 दोनों ही कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।